हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, मैं BTC की मॉर्निंग अपडेट के लिए हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, थोड़ी सी अपडेट देंगे BTC की, फिर उसके बाद हे ब्लॉक की लिक्विडेशन पे बात करेंगे, ऑर्डर बुक वगैरह देखेंगे, हे ब्लॉक पे ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखेंगे, और आपको हीट मैप दिखाएंगे अभी वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो BTC है 24,190 पे, ठीक है, 24,189। अच्छा, मज़ीद स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि अब ये socialstep.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे सब्सक्राइब बस पे क्लिक करके आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताता चलूँ, हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और फेयर एंड ग्रीड देखें तो फेयर ग्रीड हमारे पास अभी हम थोड़ा सा ग्रेड में ही हैं, 59 है, कल 60 था, 60 से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे हम जाएं, न्यूट्रल में आएं, उसके बाद फिर हम दोबारा ग्रेड में आने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। ये हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब पे, यहाँ पे आप क्लिक कर यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक भी, यहाँ पे भी क्लिक कर, फेसबुक पे भी आपको वीडियो अपलोड होती हैं वहाँ पे मिल जाती हैं, ट्विटर पे हमारी न्यूज़ वगैरह अपडेट होती हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमारी न्यूज़ वगैरह अपडेट होती हैं, और ये हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे डिस्कॉर्ड में आ सकते हैं, और VIP कोशिश करेंगे, VIP में आए हैं, डिस्कॉर्ड में VIP में आने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे हम आपको अपडेट रखते हैं, टाइम टू टाइम जो भी सूरत हाल बनती है या अपडेट होती है हम आपको वहाँ पे शेयर कर देते होते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें ना, जैसे कि ये बिटकॉइन टॉक में अगर आते हैं तो ये हम आपको यहाँ पे देखें, चार्ट सुबह दो मैंने भी 8:15 तक, 7:15 ये चार्ट शेयर कर दिया था, ये देख रहे हैं ना आप, ठीक है। यानी कि जैसे अपडेट होती है, यानी कि कोई भी चेंजिंग हो, कोई भी मतलब के सूरत हाल बदलती है, क्योंकि सम टाइम शाम को सूरत हाल होती है, सुबह के टाइम होती है, तो फिर वो उसके हिसाब से हम अपडेट देते रहते हैं, VIP में हम ये अपडेट देते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आज जी ये बाइबेट एक्सचेंज है, इसके साथ एफिलिएट है, इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके अकाउंट नहीं है बाइबेट का अकाउंट पे, इस पर क्लिक करके अकाउंट बनाएं और डिपॉजिट करने की सूरत में आपको बोनस मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद ये हमारी हे ब्लॉक की लिक्विडेशन, ये है ब्लॉक के SC हम लिक्विडेशन लेवल चेक करते हैं, ट्रेडिंग लाइट्स हम ऑर्डर बुक वगैरह देखते हैं, इससे क्लिक करके अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट पे क्लिक करके आप डिस्काउंट से इनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मधुसे हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, तो इनसे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। ये हमारी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो जाती है, तो शाम को टी करते हैं तो यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाती है। उसके बाद ट्रेडिंग कोर्स हमारा चल रहा था, वो अभी हमें रोका हुआ है, लेकिन बाकी अब ये स्टार्ट करने के लिए क्रिप्टो के अपने लर्न कैसे करना है उसके लिए हमारे काफ़ी वीडियो यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, लर्निंग के लिए, लर्निंग के हिसाब से, ठीक है। BTC के चार्ट पे आते हैं, 4 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ, ये हमारे लेवल लगाए हैं, ठीक है, शॉर्ट का लेवल और ये बाइंग का लेवल लगाया हुआ है यहाँ पे। अभी BTC ने थोड़ा सा डंप किया था रात को, अभी थोड़ी देर पहले, तो ये हमारे पास एक देखे ना, एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइम यहाँ पे भी इसने यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, फिर इसने लास्ट कैंडल जो है यहाँ पे सपोर्ट ली, क्लोज किया, दूसरी कैंडल ये जो अभी चल रही है वो यहाँ पे इससे नीचे ही आ रही है। अगर ये लेवल जो है, हम आपको बता देता हूँ, 24,180 का लेवल है, यहाँ पे देख रहे हो मैंने ग्रे ब्रॉक बॉक्स भी लगा हुआ है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, पहले भी इसने यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर उसके बाद दोबारा अभी जो है इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है इस लेवल से ही। ये तकरीबन हमारे पास फिबोनाची का लेवल भी लगा हुआ है, 0.236 का लेवल है, इस लेवल से यहाँ से बाउंस ले रहा है बार बार। तो अगर इस लेवल को अभी कैंडल इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होती है 4 आवर की, जो कि थोड़ी देर बाद क्लोज होने वाली है, तो मे बी हम हो सकता है कि हम इस बॉक्स को चेक करें, जो कि हमारा ग्रीन बॉक्स है, 23,634 है, और यहाँ से लेकर और 23,370 तक ऑलमोस्ट, तो फिबोनाची का हमारा ये लेवल आता है 0 लेवल, यहाँ पे हमारे पास मंथली लेवल भी है 23,300, ये लेवल इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो इस एक और चीज़ मैं आपको बताता चल रहा हूँ, डेली में हम जरा चलते हैं, डेली में एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, कह रहे हैं ये देखे ना, ये हमारे पास जो लेवल आपको बताया है ना ग्रीन लेवल, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखे ना, ये डेली का चार्ट है, और यहाँ पे गोल्डन पॉकेट भी है, और इसी लेवल पे हमने ग्रीन बॉक्स भी लगाया हुआ, तो
डेली की गोल्डन पॉकेट पे आपको दिखाने का मकसद ये कि देखिए ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो। रिजेक्शन आपने कैसे देखनी है, आपको कोइन क्लास में जाके सारी चीज़ें देखनी है आपने, आपको यहाँ पे ओपन टेस्ट क्लोज होता नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिक्विडेशन नज़र आती हो नज़र आ रही, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले नीचे आते हुए आपको ओपन टेस्ट क्लोज होता नज़र आया ठीक यहाँ पर, उसके बाद फिर दूसरी ऊपर जाते हुए लिक्विडेशन हुई है और ओपन टेस्ट क्लोज होता नज़र आया है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, कन्फर्म करना है, फिर आपने लॉन्ग में एंट्री लेनी है। आपने यहाँ पे देखने लिक्विडेशन अच्छी हुई है और यहाँ पे ओपन टेस्ट क्लोज हुआ, फिर आपने लॉन्ग एंट्री लेनी है ठीक है। तो डिटेल टी ए इस पर बाद में शाम को गौत भी करेंगे, अभी ये आपको बाकी लिए है ब्लॉक के लिक्विडेशन वगैरह दिखाते हैं, ऑर्डर बुक वगैरह दिखाते हैं और ओपन टेस्ट वगैरह दिखाते हैं। ऑर्डर बुक पर चलते हैं, पहले ऑर्डर देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमारे पास लगे हुए हैं नीचे की तरफ। अभी फिलहाल 253 का ऑर्डर लगा हुआ है 24,000 पे, 23,800 पे है, 629 का 23,500 पे है, 495 का 23,400 पे है, 633 का, ये 23,400 का लेवल और ये 23,250 का लेवल, इस लेवल पे ही हमने लगाया हुआ है ग्रीन बॉक्स ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखें ना आप ऑर्डर भी बड़े लगे हुए हैं 23,250 पे 946 का ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आप देखें ना इतने बस यहाँ नीचे इतने ऑर्डर नहीं लगे हुए, उसी लेवल पर ही ऑर्डर लगे हुए हैं ठीक है। ऊपर अगर देखें तो ऊपर यहाँ 25,000 पे 320 का ऑर्डर लगा हुआ है। मार्केट में न्यूज़ थोड़ी बेरिश ही हैं ठीक है, जिस तरह आपको बताया गया ना मार्केट में न्यूज़ थोड़ी बेरिश ही हैं, तो हो सकता है मार्केट नीचे थोड़ा सा डंप करे। तो ओपन टेस्ट देखते हैं, ओपन टेस्ट यहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट लगी, ये तकरीबन 50 मिलियन से ऊपर है, ये एक दिन का मैं दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 89 बिलियन के करीब होगा, मिलियन के करीब सॉरी ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग लगी है, अभी इनको ये यहाँ पे लॉन्ग लगी इधर इस लेवल पे, सब देख रहे हैं ना ये एरिया सारा लॉन्ग का ही है, और लेफ्ट साइड पे देखें ना सारी शॉर्ट क्लोज ही हुई है। तो मार्केट इस टाइम नीचे फिर रही है 24,200 से नीचे ठीक है, और ये लेवल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल 7 डेज का देखते हैं, 7 डेज का देखें ना 7 डेज में अभी यहाँ पे लॉन्ग ही लॉन्ग लगी है, आपको नज़र आ रही है लॉन्ग नज़र आ रही है ज़्यादा, ये एक शॉर्ट बड़ी लगी हुई थी 200 मिलियन से ऊपर, अभी ये फ़ायदे में है। लेकिन उसके साथ देखें ना अभी शॉर्ट क्लोज भी हुई है, हो सकता है कि ये इसी शॉर्ट क्लोज कर दिया गया हो ठीक हो गया। और अच्छा भाई आज डेल्टा देखते हैं, डेल्टा शॉर्ट से लॉन्ग देखते हैं कि भाई किसकी ज़्यादा है। यहाँ पे शॉर्ट डेल्टा शॉर्ट इस टाइम ज़्यादा हो गई है, 2.7 बिलियन की शॉर्ट डेल्टा शॉर्ट ज़्यादा है। तो ये लेवल आपको देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये लिक्विडेशन लेवल है, इसको लेने आ सकता है, ये तकरीबन 64 मिलियन हो गया, फिर 36 है, फिर ये 64 मिलियन की ये है 23,516 पे, 23,516 पे है, फिर 23,007 पे है, फिर एक बड़ी है 60 मिलियन की है, 60 मिलियन के 23,555 पे, फिर 40 मिलियन है, फिर इसके बाद ये बड़ी लिक्विडेशन है 96 मिलियन की है 23,839 पे, फिर 90 मिलियन की है 23,750 पे, 23,900 पे है 93 मिलियन की। मतलब ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, 23,900 तो हो गया होगा, बल्कि हो गया हुआ है, ये नीचे वाली रहती हैं अभी, ये भी हो ये वाली रहती है बस, ये वाली 23,750 पे, उसके बाद नीचे वाली ये वाली रहती हैं 40 मिलियन 40 मिलियन 53 मिलियन, ये सारी रहती हैं। लिक्विडेशन हीट मैप देखते हैं, तो ये आपके पास हमारे पर लेवल पड़े हुए हैं, ये भी जो कि इम्पोर्टेंट है, अभी होने वाले हैं लिक्विडेशन होने वाली है यहाँ पे, ये 23,000 25,300 पे, 25,400 पे, 25,500 पे 14 बिलियन है, 25,400 पे 13 बिलियन पड़ा हुआ है, ये अभी इसको जाना था, लेकिन अभी हो सकता है यहाँ से नीचे से थोड़ी सी लिक्विडेशन उठाए फिर वहाँ से ऊपर निकल जाए। नीचे देखें तो 23,700 पे 5.7 बिलियन है, 23,800 पे 2.7 बिलियन है, ये 1 मंथ का डाटा मैं दिखा रहा हूँ आपको, 23,600 पे 4.6 है, 23,400 पे 3.7 है, फिर इसके बाद 23,200 पे 4.9 है। उसके बाद अगर नीचे और नीचे आते तो हमें हैवी लिक्विडेशन यहाँ पे मिल जाती है, 7.2 बिलियन की 22,500 पे 22,400 पे है, 9 बिलियन 22,300 पे है, 8.9 बिलियन ऑलमोस्ट 9 बिलियन है, 22,200 पे 7.5 बिलियन है। तो 22,000 तक का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे फिर हमारे पास मजीद और लिक्विडेशन आ जाती हैं 21 तक,
तो नीचे अगर देखें ना तो यहाँ तक 20,300 तक हमें अच्छी लिक्विडेशन मिल रही है लगातार हर लाइन में, तकरीबन 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, फिर थोड़ा ज़्यादा ग्रीन रहता है 8 बिलियन, 9 बिलियन ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी लाइन देखें तो 20,900 पे 19 बिलियन बढ़ा हुआ है, फिर 19 बिलियन, 16 बिलियन, फिर 20,800 पे है, फिर 20,700 पे 16 बिलियन है। ये हमारे पास लेवल यहाँ पे भरे पड़े हैं। ठीक है मेरे भैया, ठीक है, मैं वीडियो को रैपअप करता हूँ और बाकी डिटेल टी आपको शाम को 2 बजे बताएंगे। जो भी लेवल लेवल हमने देख के लगाने हैं, उसके बगैर हमने एंट्री नहीं लेनी। आपने जिकम ज़रा लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है, एंट्री लेने के लिए ओपन इंटरेस्ट क्लोज होता हुआ देखना है, फिर उसके बाद आपने ओपन इंटरेस्ट क्लोज होने के बाद आपने देखना है कि हमारे पर लिक्विडेशन अच्छी हुई है कि नहीं, वापसी का साइन मिले तो फिर आपने लिक्विडेशन ले ली है। ठीक है दोस्तों, मैं बाय बाय करता हूँ, फिर इंशाल्लाह बात होगी।